हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंग भस्म के बारे में, जो कि इसका इस्तेमाल सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम, यूटीआई इन्फेक्शन, शारीरिक कमजोरी होना, इसके अलावा और भी बहुत से पर्पजों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, बंग भस्म के इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें क्या नुकसान हो सकता है, इसे नहीं लेना चाहिए, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं बंग भस्म, जो की पतंजलि कंपनी की और भी बहुत से कंपनियों की बनाई हुई आपको यह मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 10 ग्राम में 25 रुपए की प्राइस में बहुत ही आसानी से पतंजलि स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत से पर्पजों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफी अच्छे अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, एनाल्जेसिक, एंड्रोजेनिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल जैसे काफी अच्छे अच्छे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका इस्तेमाल काफी तरह के रोगों में इस्तेमाल करता है, खास तौर पे इसे सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करने में काफी यूजफुल होता है। यौन समस्याओं में काफी यूजफुल होता है, जैसे कि शीघ्र पतन, बहुत जल्दी वीर्य संकलन होना, संबंध दोष की शिकायत होती है, पेनिस में तनाव ना आना, शुक्राणुओं की कमी, शुक्राणुओं की क्वालिटी का कमजोर होना, इंटरकोर्स टाइम पीरियड का बहुत कम होना, स्टेमिना की कमी होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में, यौन समस्याओं से जुड़ी समस्याओं में काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ ये शारीरिक कमजोरी में काफी यूजफुल होता है, शरीर का कमजोर होना, आलसपन, इसके साथ ही साथ कोई भी काम करते करते जल्दी थकावट महसूस होती है तो उस पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह एनीमिया के पर्पज में भी काफी फायदेमंद होता है, खून की कमी को दूर करता है, हीमोग्लोबिन रेट को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है। यूटीआई इन्फेक्शन में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, मूत्र विकारों में काफी यूजफुल होता है, पेशाब में जलन, पेशाब का रुक कराना या पेशाब का खुल करना हो पाना, इस तरीके की समस्या में इसे काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नुकसान की बात करें तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको सूट नहीं करता तो आपको नॉर्मल स्टेज पे वॉमिटिंग हो सकती है। इसके साथ ही साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल डॉक्टर के रेख देख में ही करना चाहिए। अगर आप ये किसी की सलाह पे लेते हैं तो ऐसा ना करें, या आप डॉक्टर की रेख देख में ही करें। और इसका सिंगल यूज नहीं होता है, जिस पर्पज में अभी आप इसे लेना चाहते हैं उसके साथ इसे दिया जाता है, जो कि वह प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी रिकवरी हो सके। डोज की बात करें तो डोज डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है और आपकी एज क्या है और आप किस पर्पज में लेना चाहते हैं, उन सभी पर डिपेंड करता है। और यह लंबे समय तक नहीं लिया जाता है, यह एक लिमिटेड समय तक लिया जाता है। और जो डॉक्टर की रेख देख में, आयुर्वेदिक वैद्य आप रेख देख में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अगर आपको किसी भी तरह के नुकसान भी या कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो यही था बंग भस्म के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।